तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडियन बाइक ट्वेंटी गेम में आप लोग जो है न्यू थार को कैसे स्पॉन करा सकते हो। भाई आप लोग यार लिटरली इतने ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, भाई इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बस मैं आप लोगों से क्या बोलूं यार, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमें थार रॉक्स का चीट कोड बताइए, मतलब जो न्यू वाली धार है उसका चीट कोड बताइए। तो चलो यार जब आप लोग इतनी ज्यादा डिमांड कर रहे हो तो चलो गाइज आज की वीडियो में आप लोग को थार रॉक्स का ही चीट कोड बताने वाला हूँ। तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, गाइज वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइज मतलब कुल मिलाकर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और यार इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चले गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट गाइज, सबसे पहले यार यहाँ पर देखो भाई अपने घर को क्या हो गया यार, ये तो पूरा चेंज हो चुका है ऊपर से। बाय द वे गाइज जरा आप लोग ये क्लिप देखो, तो ये देखो गाइज अपने इंडियन बाइक ट्वेंटी गेम में क्या वेदर हो चुका है यार, बिल्कुल मस्त लग रहा है यहाँ पर, मौसम बिल्कुल सुहाना हो चुका है क्योंकि यार आप लोग देखो यहाँ पर बारिश भी हो रही है अपने इंडियन बाइक ट्वेंटी गेम में। एंड भाई साहब यहाँ पर एनपीसी से लड़ाई हो चुकी है अपने इस फ्रैंकलिन की। एंड यार सामने देखो गाइज कौन सी कार खड़ी है यार, सामने गाइज अपनी थार रॉक्स। और यार आप लोग जो है बहुत ज्यादा कॉमेंट कर रहे थे कि भाई थार को चलाकर दिखाइए, अपनी जो ब्रांड न्यू थार है जो कि न्यू अपडेट में आई है थार रॉक्स उसको चलाकर दिखाइए। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को इस थार को चलाकर दिखा देता हूं। बाय द वे गाइस इसका चीट कोड भी आ चुका है, वो भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी देखो फ्रैंकलिन बैठ चुका है एंड गाइस आप लोग देखो जो अपनी थार रॉक्स यार वो बिल्कुल मस्त चल रही है। तो न्यू थार गाइस मैंने आप लोगों को दिखा दी है और यार चलाकर भी दिखा दी। तो चलो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूं उसका चीट कोड क्या है। लेकिन यार आप सभी को गाइस मैं सबसे पहले एक चीज दिखाता हूं, गाइस जो अपना आप लोगों को घर दिख रहा है ना, वैसे गाइस घर जो है एक नंबर है, मतलब बढ़िया है अंदर से भी। तो गाइस मैं आप लोगों को पता है क्या दिखाने वाला हूं, बिल्कुल सेम टू सेम यार बिल्कुल ऐसा ही घर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं यार आसमान में। जी हां गाइस वो फ्लाइंग हाउस है अपना, बिल्कुल सेम यही है, बस उसके टेक्सचर अलग है, बाकी वो हवा में उड़ा हुआ है, मतलब वो है अपना फ्लाइंग हाउस। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूं वो अपना हाउस कैसा है। तो ये देखो गाइस मैं आ चुका अपने इसी वाले हाउस पर, भाई देखो ये बिल्कुल सेम वही हाउस है, मतलब जहां से अपना फ्रैंकलिन आया है ना अभी अभी, देखो यार बिल्कुल सेम वैसा ही हाउस है गाइस। अंदर भी आप लोगों को सेम वही चीजें देखने को मिलती है जो कि उस वाले में देखने को मिलती है। जैसे गाइस आप जी को पता है वहां पर बाहर की साइड जो है एक टेबल है और यार बैठने के लिए बहुत सारे सोफे हैं। एंड भाई साहब देखो बिल्कुल सेम टू सेम वही है और यार यहाँ पर देखो लाइटें लगी हुई है। एंड भाई अपने उस वाले घर में भी लाइटें लगी हुई है, अभी मैं आप लोग को अंदर से भी दिखा देता हूँ। गाइस आप लोग अंदर आओगे तो अंदर गाइस आप लोग को ऐसी स्टेयर्स देखने को मिल जाएगी और भाई बिल्कुल ऐसा ही सेम बेड भी देखने को मिल जाएगा और टीवी भी बिल्कुल इसी जगह पर लगा हुआ है। तो भाई देखो गाइस बिल्कुल सेम वही हाउस। एंड हाँ मैं आप लोगों को दिखा दूं ये जो जमीन है ना गाइस, ये जमीन भी देखो बिल्कुल सेम टू सेम वही है। बाकी यार बस यहाँ पर एक दिक्कत है, जो अपना स्विमिंग पूल है ना इसमें देखो यहाँ पर कंटेनर्स लगे हुए हैं यहाँ पर क्योंकि पानी नहीं है। तो लेकिन यार जो स्विमिंग पूल है वो भी देखो बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह है, बस अगर यहाँ पर पानी होता ना तो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता। एंड हाँ गाइस आप लोग सामने से भी देखो, सामने से बिल्कुल सेम वैसा ही लगता है। वैसे यार यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ अपने दूसरे फ्लोर पर चलते हैं, वैसे ऐसा तो हम जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर रास्ता बंद है। तो एक काम करते हैं जेट पैक की मदद से चल के देखते हैं, नहीं जेट पैक भी अंदर नहीं जा पाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं गाइस यहाँ पर ड्रोन कैमरे को स्टार्ट कर देता हूँ, फिर ड्रोन कैमरे चलते हैं देखते हैं हमें उसमें जिम भी देखने को मिलती है क्या। तो अंदर आ चुका होगा इसमें, यहाँ पर देखो जिम तो नहीं है, बाकी यार अगर यहाँ पर जिम और होती ना बिल्कुल सेम टू सेम वो ही लगता है अपना वो वाला हाउस जो कि अपने फ्रैंकलिन का रियल वाला हाउस है। लेकिन यार ये जो हाउस है ना अपना गाइस बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग इस लोकेशन पर कैसे आ सकते हो और गाइस आप लोग इसको कैसे ऐड कर सकते हो। लेकिन यार इससे पहले गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर अपना वेदर बता देता हूँ, मतलब आप लोग यहाँ पर वेदर को कैसे चेंज कर सकते हो। देखो यार अभी तो आराम से यहाँ पर दिन निकल रहा है, मतलब धूप निकल रही है और साथ ही में यार यहाँ पर मॉर्निंग हो रही है। और भाई साहब आप लोग देखोगेगा मस्त यहाँ पर अपने इंडियन बाइक ट्वेंटी गेम की जो सिटी एक नंबर लग रही है। लेकिन अगर आप लोग यार यहाँ पर नाइट मोड को एक्टिवेट कर देते तो नाइट मोड एक्टिवेट करने के बाद कुछ ऐसा व्यू आता है। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर रेन मोड को एक्टिवेट कर देते तो भाई रेन मोड के बाद कुछ ऐसा व्यू आता है। आप लोग देखो यार रेन मोड में भी एक नंबर लग रही है अपनी सिटी। तो गाइस मैंने रेन मोड कैसे ऐड किया है चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि यार इसका जो चीट कोड है वो मुझे तो पता चल चुका है। तो सोच रहा हूं गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन यार अपने सिटी में जो इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं, मतलब यार अपनी जो पूरी सिटी है ना ये अपग्रेड हो चुकी है। तो चलो यार पहले मैं आप लोगों को अपनी पूरी सिटी के नजारे दिखा देता हूं बढ़िया वाले, क्योंकि यार अपनी जो सिटी हो चुकी है ना एक नंबर हो चुकी है। मतलब अभी आप लोग देखना क्या मस्त मस्त व्यू आप लोगों को अपने सिटी में देखने को मिलेंगे। तो टार्जन कार यहां पर मैंने ले ली है, चलो फटाफट से टार्जन कार से घूमते अपने इंडियन बाइक ट्वेंटी गेम की सिटी में। तो गाइस आप लोग जैसे ही बाहर निकलोगे तो यार सबसे पहले आप लोगों को जो है अपने पुलिस स्टेशन पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ट्री लगे हुए हैं और यार सामने भी आप लोग देख सकते हो कितने सारे चेंजेस हो चुके हैं अपने सिटी में। एंड गाइस आप लोग एयरपोर्ट पर भी जाओगे, एयरपोर्ट पर भी गाइस आप लोग को चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। एंड हाँ सबसे बड़ा चेंज मैं आप लोग को दिखा दूँ, देखो गाइस आप लोग को जो है ऐसा कोई भी ब्रिज अभी तक नहीं देखने को मिलेगा अपने सिटी में जैसा ब्रिज यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यार इस ब्रिज पर चलते हैं, देखते हैं हमें इस ब्रिज में से हमें और क्या क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे।
देखो यार क्या तगड़ा ब्रिज है ये, देखो ये रहा भाई एक नंबर ब्रिज है। अभी मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर फिनिश का बिल बोर्ड है और स्टार्ट का है। सो स्टार्ट वाले में चलते हैं, देखो स्टार्ट वाले में आ चुका हूँ। वैसे सेम ही रोड है, बस वो वैसे ही लगाए गए हैं बोर्ड ताकि उससे बिल्कुल रियल लगे। और यार देखो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइटें भी लगी हुई है, और यार लाइटें जलती भी हैं गाइज। जी हाँ गाइज, अगर हम यहाँ पर नाइट मोड एक्टिवेट कर देते हैं ना तो लाइट अपनी जलती भी है। एंड गाइज आप लोग देखो यार यहाँ पर हमें कुछ बिल्डिंग्स भी देखने को मिल रही है जो कि न्यू है, जो कि आज से पहले अपने गेम में नहीं थी। जैसे गाइज आप लोग सामने देखो वो रही, बिल्कुल चेंज है। और गाइज यहाँ पर भाई साहब मैंने क्या कर दिया यार, ये यहाँ पर मैंने पूरी सिटी का नाश मार दिया। देखो जितने भी पेड़ वगैरह थे सारे मैंने यहाँ पर तोड़ दिए हैं। एंड भाई ये देखो यार मजा आ रहा है अपनी टार्जन कार को चलाने में। तो देखते हैं गाइज हमें सिटी में क्या क्या देखने को मिलता है। देखो गाइज सामने आप लोगों को दिख रहा होगा अपना कार शोरूम, लेकिन यार जो कार शोरूम है अपना वो तो यहाँ पर यार पूरा चेंज हो चुका है भाई। ये देखो गाइज पूरा चेंज हो चुका है अपना कार शोरूम, तो ऐसा तो ये था भी नहीं, बस नीचे नीचे का पोर्शन था, बाकी तो ऊपर न्यू पोर्शन ऐड किया गया है। और यार ये अपना कंस्ट्रक्शन एरिया है, यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं है, तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। बाकी थोड़ी आगे चलते हैं, क्या पता आगे हमें यहाँ पर और कुछ भी देखने को मिले। एंड गाइस ऊपर जाने का भी यहाँ पर रास्ता है भाई, देखते हो ऊपर क्या मिलता है हमें। तो टार्जन कार से चलते, देखते हैं टार्जन कार अपने वहाँ पर पहुँच भी पाती है फिर नहीं। एंड भाई साहब टार्जन कार तो यार मस्त जा रही है यहाँ पर, ये देखो भाई टार्जन कार से तो मैं आ चुका हूँ ऊपर। बाकी यार सामने पता नहीं क्या है, वो स्कूल सा लग रहा है यार मुझे, अभी देखेंगे वहाँ पर भी क्या है वो। एंड बस यार गिरना जाए अपना फ्रैंकलिन। एंड भाई बच गया यार अपना फ्रैंकलिन, गिर जाएगा तो एक काम करते हैं यार इस कार से उतरते हैं। एंड भाई ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं पैदल। एंड भाई साहब देखते हैं क्या है ऊपर, वैसे इतने ऊपर ये क्या ही बना होगा, देख लेते हैं फिर भी क्या है। एंड भाई मैं ऊपर आ चुका हूँ, अच्छा हमें मुझे और ऊपर भी जाना है गाइस, और ऊपर भी है रास्ता। मैं सोच रहा था यहीं ख़त्म हो जाएगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर आ गया मैं। तो चलो यार देखो ये गाइस यहाँ से आप लोग कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है यार मस्त है, मतलब सामने स्कूल जो है अपना मस्त है यार अपना स्कूल। एंड भाई ऊपर मैं आ चुका हूँ, एंड ऊपर तो कोई न्यू हाउस लग रहा है मुझे भाई, ये तो नया घर है गाइस, ये देखो ये तो नया घर ऐड हो गया अपने गेम में भाई। देखो नया घर है गाइस ये, अभी मैं आप लोगों को अंदर भी जाकर दिखा देता हूँ। अंदर गाइस आप लोगों को बहुत सारी स्टेयर्स देखने को मिल जाएगी, चलो चढ़ते हैं यार ऊपर। एंड देखते हैं हमें और क्या क्या देखने को मिलता है अपने इस न्यू हाउस के अंदर। एंड गाइस आप लोग देखो यहाँ पर आप लोगों को टेबल देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर अपनी चेयर भी है, मतलब सोफे वगैरह रखे हैं। और आप लोग गाइस बालकनी में भी आ सकते हो, और यहाँ से गाइस आप लोग कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। ये देखो भाई क्या मस्त नज़ारे लग रहे हैं अपने इंडियन बैकग्राउंड गेम में, मतलब भाई ऐसा तो गेम था भी नहीं जैसा अब हो चुका है। और गाइस आप लोग जैसे ही ऊपर जाओगे टॉप फ्लोर पर चलते हैं यार, वहां पर से देखते हैं, वहां से तो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा हमें। गाइस देखो मैं टॉप फ्लोर पर आ चुका हूं। एंड भाई ये देखो यार फ्रैंकलिन कहां पर खड़ा है गाइस, ये देखो यार क्या मस्त व्यू आ रहा है यहां से, आप लोग खुद ही देखो फ्रैंकलिन कहां पर खड़ा है। बस यार ये गिर ना जाए, क्योंकि अगर ये यहां से गिर गया ना तो समझो यार ये मर जाएगा पक्का। एंड भल्लो लो भाई जिसकी उम्मीद थी वो ही हुआ, यहाँ पर जो है अपना फ्रैंकलिन गिर चुका है, लेकिन यार सही है नीचे नहीं गिरा, वरना नीचे गिरता ना समझो गया था अपना फ्रैंकलिन। एंड ये क्या है एक बार मैं इसको देखता हूँ, ये क्या है भाई देखते हैं क्या है। एंड ये तो पता नहीं यार क्या है, अच्छा शायद ये नहाने के लिए यार, अगर यहाँ पर पानी होता ना तो भाई मज़ा आ जाता, फ्रैंकलिन मस्त डुबकी लगाता है। एंड गाइस चलो देख लेते हैं हमें और नीचे क्या क्या देखने मिला, जिसकी मैं बात कर रहा था वो मुझे स्कूल लग रहा था। लो भाई फिर गया, फिर खून निकल गया यार फ्रैंकलिन का। फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा गिरता है गाइस, आप सभी को पता है यार ये गिरता रहता है, कहीं भी गिर जाता है, ये अपनी बेइज्जती करा लेता है यार कहीं भी गिर के। तो चलो यार यहाँ पर ड्रोन कैमरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है सिटी में। यार सामने गाइस आप लोगों को स्कूल देखने को मिल जाता है शायद, हाँ ये स्कूल ही है, ये देखो स्कूल है ये अपना स्कूल। एंड भाई साहब मस्त लग रहा है, अंदर जा सकते हैं हम इसके एक बार देख लेते हैं गाइस। अंदर तो हम नहीं जा सकते, सिर्फ ड्रोन कैमरे की मदद से ही जा सकते हो, वरना अपने प्लेयर को लेकर तो नहीं जा सकते हो, बाकी अंदर कुछ है भी नहीं, सिर्फ आप लोगों को ये दूर से ही बाहर से टेक्सचर देखने को मिलता है। एंड यार सामने क्या है वो भाई, ये सामने क्या है गाइस, ये तो देखो भाई बिल्डिंग तो मुझे मस्त लग रही है भाई, है क्या ये। एंड देख लेते हैं अंदर जाके गाइस, अंदर जो है आप लोग कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, बाकी आज अपनी पूरी सिटी यार अपग्रेड हो चुकी है। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग जो है अपने इंडियन बैकग्राउंड वीडियो गेम की सिटी को कैसे अपग्रेड कर सकते हो मेरी तरह, और यार आप लोग जो गाइस अपनी जो न्यू थार है ना उसको कैसे स्पॉन करा सकते हो। तो सबसे पहले यार बात कर लेते हैं, मैंने आप लोगों को फ्लाइंग हाउस दिखाया था ना, वो आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलता है। तो फ्लाइंग हाउस जो है गाइस आप लोगों को यहीं देखने को मिलता है, बस अपने इस घर के पास में। मैं यहाँ पर ड्रोन कैमरा स्टार्ट कर लेता हूँ, एंड मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो भाई ये आप लोग सबसे पहले ये देखने को मिलता है ड्रोन, गाइस ये ड्रोन में इसलिए बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर पंखे लगे हुए इसके चारों तरफ। आप लोगों ने देखा होगा यार ड्रोन जो अपना कैमरा होता है बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है, और उसके चारों तरफ ऐसे ही पंखे लगे हुए थे जो कि घूमते हैं। ये भी देखो यार यहाँ पर ऐसे ही घूम रहे हैं। और जो मैं हाउस की बात कर रहा था ना गाइस, मैं इस हाउस की बात कर रहा था, ये देखो ये हाउस है, मतलब सामने आप लोगों को बिल्कुल रियल घर देखने को मिल जाता है वो रहा। एंड इसी के जैसा सेम टू सेम आप लोग को यहाँ पर भी घर देखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुल सेम है यार, अंदर से तो यार पूरा ही सेम है। ये देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही बेड है, और ऐसे ही गाइस अपने उस वाले में बेड है
गया, मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि जब से यार अपने ड्रोन वाला फीचर आया ना, तब से तो बहुत ही आसान हो गया आप लोगों को दिखाना। ये देखो, बाकी यार बस यहाँ पर जिम के जो है इक्विपमेंट्स पड़े हैं जो कि उसमें नहीं है। बाकी आप लोग देखो, जो मैं बेड की बात कर रहा था, देखो बेड इधर की साइड है, ये रहा, एंड भाई बिल्कुल सेम ऐसी टीवी लगा गया है वहाँ पर, तो भाई देखो बिल्कुल सेम टू सेम वही है। तो लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, बात कर लेते हैं आप लोग इनको ऐड कैसे कर सकते हो, मतलब आप लोग जो पूरी सिटी को अपग्रेड कैसे कर सकते हो। तो अपग्रेड के लिए करना कुछ नहीं यार, सिंपली आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को ड्राइव के लिंक को उसको कॉपी करना है और अपने गेम में आ जाना है, मतलब अपने गेम को स्टार्ट कर लेना है। गेम को जैसे स्टार्ट कर लोगे सो आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर पेज पे क्लिक कर देना है। पेज पे जैसे क्लिक कर दोगे तो जो फाइल है वो लोड हो जाएगी। अब यहाँ पर एरर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यार यहाँ पर जो मैंने इंटरनेट ऑन नहीं कर रखा है, तो मेक श्योर गाइस आप लोगों का इंटरनेट ऑन होना चाहिए। तो इंटरनेट को ऑन करना, फिर पेस्ट कर देना, जो फाइल लोड हो जाएगी। उसके बाद करने का यार आप लोगों को गेम को कट करना है, मतलब गेम कुछ ऐसे कट करना है, पूरा कट नहीं करना है, ऐसे कट करना है। और यार यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर देना अपने गेम को। और यार आप लोग जैसे ही गाइस अपने इस घर से बाहर निकलोगे तो यार आप लोगों को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। आप लोग देखो न्यू बिल्डिंग आ जाएगी, एंड यार मतलब पूरे सिटी में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। आई होप आप लोग पूरी बात को समझ गए होंगे। तो चलो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूं आप लोग जो न्यू थार को कैसे ले सकते हो। तो गाइस न्यू थार के लिए आप लोग करने गए यार, आप लोगों को बस थोड़ा सा वेट करना है। वेट किस चीज का करना है यार? वेट करना है आप लोगों को न्यू अपडेट का, क्योंकि यार जो न्यू अपडेट है बहुत जल्द आने वाला है। और यार न्यू अपडेट में जो गाइस आप लोगों को न्यू थार देखने को मिलने वाली, जिसका नाम है थार रॉक्स। सो थार रॉक्स होती कैसी है वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है, और वही चलाकर भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। बाकी बिल्कुल सेम उसी थार की तरह है, बस थोड़े बहुत यहाँ पर चेंज है। जैसे एक थार आप लोगों को इसमें देखने को मिलती है पहले से ही, जो कि मॉडिफाइड थार है, और एक नॉर्मल थार भी है, जो कि ये रही नॉर्मल थार, बस उसकी जो है यहाँ पर थोड़े व्हील चेंज है, एंड वो साइज में से बस थोड़ी सी बड़ी है, बाकी बस ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो जो थार रॉक्स है अपनी वो बहुत जल्द आने वाली है, वो इन दोनों में से किसी की जगह रिप्लेस होगी। तो अगर वो रिप्लेस होती है मॉडिफाइड थार की जगह तो जो चीट कोड होगा वो 9090 होगा, और अगर वो रिप्लेस होती है गाइस अपनी नॉर्मल थार की जगह तो जो चीट कोड होगा वो 9191 होगा। तो चीट कोड मैंने आप लोगों को बता दिया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बस वेट करो थोड़ा सा न्यू अपडेट का, जैसे न्यू अपडेट आता है उसके बाद गाइस आप लोग यहां पर थार रॉक्स को आराम से चला पाओगे, एंड यार मस्त एंजॉय कर पाओगे। बाकी बात कर लेते हैं नाइट मोड के बारे में। नाइट मोड तो आराम से एक्टिवेट हो जाता है 99 चीट कोड से। बात करते हैं गाइस आप लोग वेदर को कैसे चेंज कर सकते हो, मतलब यार आप लोग रेन मोड कैसे ऑन कर सकते हो, साथ में यार फॉग मोड भी कैसे ऑन कर सकते हो। तो गाइस जो न्यू अपडेट आएगा ना, जैसे ही न्यू अपडेट आता है आप लोगों को मैं बता दूंगा, जैसे ही न्यू अपडेट आता है कि अपने डे मोड का, सॉरी अपने रेन मोड का चीट कोड क्या है और अपने फॉग मोड का चीट कोड क्या है, मतलब जैसे ही अपडेट आता है वो तो मैं गाइस आप लोगों को तभी बताऊंगा, क्योंकि जो चीट कोड है वो अभी कोई भी फिक्स नहीं है। सो आई होप आप लोग बात को समझ गए यार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और फटाफट से यार कमेंट भी कर दो वीडियो में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, कैसा अपडेट लगा आप लोगों को। बाकी गाइस आज के वीडियो को मैं यही एंड करता हूं। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अच्छी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे रहे हो यार, कर दो यार बिल्कुल फ्री है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाकी गाइस अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले गाइस मैं वहीं पर अपडेट दे देता हूं अगर कुछ भी अपडेट आता है तो। तो बाकी गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए गाइस। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।